हेलो गाइज, मैं हूँ हरिओम अग्रवाल और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यार इसमें मतलब नई वाली i20 जो है ना, इसमें आपको पता होगा कि यार फ्यूल लिड का जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूल लिड आता है बेस मॉडल से लेके ऊपर तक एस्ट्रा ऑप्शनल तक। मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्यूल लिड क्या होता है अगर आप पूछेंगे कि यार, मतलब यहाँ पर जैसे कि आप अनलॉक और लॉक का बटन दबाएंगे ना, जैसे की फॉब है ये आपकी, इस पर अनलॉक और लॉक का बटन दबाएंगे या फिर यहाँ पर जो है अनलॉक और लॉक का बटन दबाएंगे तो आपके सारे जब गेट खुल जाते हैं तभी आपका फ्यूल लिड भी खुल जाएगा, ठीक है, मतलब कि अनलॉक हो जाएगा वो, आप तब वो उसे प्रेस करेंगे और तब ये खुल जाएगा। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे खुलेगा, ठीक है। तो यार इसमें मतलब दिक्कत क्या आई है अगर आप पूछेंगे, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी नॉर्मल वर्किंग क्या होती है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं अभी इंजन ऑन है ना, रुको ये मैंने ऑफ कर दी। यहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी मतलब कि फ्यूल लिड खोलने के लिए बटन नहीं दे रखा, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे कहीं पर भी इसमें DRBM है, वो क्रूज कंट्रोल था यार, बाद में बताऊंगा मैं, अभी अभी तो कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ये सारे विंडो के कंट्रोल्स हैं, शीशे फोल्ड और अनफोल्ड, ये मिरर एडजस्टर है, ये शीशे का मतलब जो विंडोज़ होती है पावर विंडो। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कहीं पर भी नहीं दे रखा, ठीक है, आपको तसल्ली कराने के लिए मैंने सारा दिखा दिया। अब आप क्या पूछेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये देखो आप शीशे की तरफ देखना, वो ORVM की तरफ लॉक करी गाड़ी मैंने, ये नहीं खुल रहा, ठीक है, अनलॉक करी ये खुल जाएगा, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूल लिड, ये वाला यहाँ पर एक मोटर लगी होती है, सेंसर वाली मोटर होती है, अगर आप लॉक कर देंगे तो अभी गाड़ी नहीं बजेगी, ठीक है, लेकिन अगर आप अब ये लॉक कर देंगे ना, ये देखो ये अभी भी खुल रहा है यार, ये ग्लिच ही है, मतलब अभी गाड़ी लॉक है और लॉक में मतलब कि मैंने ये ऐसे करा था ना, तो यहाँ से तो मतलब कुछ भी लॉक नहीं हुआ, ये देखो, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं लॉक करूँगा दोबारा से, ये देखो ये अब लॉक हो गया, ये पता नहीं क्या कर रखा है हुंडई ने। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर भी कोई इमरजेंसी ओपनर नहीं दे रखा, किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेगा आपको, चाहे मतलब मैग्ना हो, स्पोर्ट्स हो, एस्ट्रा ऑप्शनल हो, एस्ट्रा हो, एस्ट्रा तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर इमरजेंसी ओपनर नहीं दे रखा फ्यूल लिड का। तो एक सब्सक्राइबर है मेरे, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस, मेरे पास एक मैसेज आया था, कन्हैया लाल चौधरी थे कोई, उन वो थे राजस्थान टोंक एरिया से, तो यार उनकी गाड़ी में मतलब कि क्या दिक्कत आई थी कि ये जो लॉक अनलॉक आपने सिस्टम देखा ना अभी, यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन करके नहीं दिखाया, लेकिन ये सेम ही वर्किंग है इसकी, कि यार इसका ना मतलब i20 में वो अपनी पेट्रोल डलाने जा रहे थे पेट्रोल पंप पे और उनका वो नहीं खुला, मतलब कि यार ये जो लॉक अनलॉक का सेंसर दिखाया ना मैंने आपको अभी, वो उनका हो गया खराब। तो यार पेट्रोल पंप पे मतलब वो फ्यूल लिड तो खुला नहीं फिर, या पहले वीडियो सैंपल देखिए कि मैं वीडियो सैंपल में आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अब कर रहे यार, मतलब बटन को दबाओ, लॉक कर, दबा बटन, दबा जोर से दबा। ये अभी आपने वीडियो देखी, इसमें मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मतलब यार फ्यूल लिड उनका मतलब इलेक्ट्रिक जो सेंसर था, उन्होंने मुझे खुद वीडियो भेजी थी और यार वो मतलब उनका खुला नहीं। उन्होंने हुंडई के शोरूम में मतलब कि सर्विस सेंटर में गाड़ी दिखाई, गाड़ी दिखाने पे वो कह रहे हैं सर्विस सेंटर वाले उनसे कि यार मतलब कि ये पहली i20 है इंडिया की जिसमें ये दिक्कत आई है, मतलब कि यार ये क्या होता है। उनके पास कोई गाइडलाइंस भी नहीं थी मतलब चालू करने के लिए उसको, तो यार कोई इमरजेंसी ओपनर ही दे देते यार, इलेक्ट्रिक फ्यूल लिड दे रहे हैं तो यार मतलब अगर खराब हो जाए सेंसर तो खोलेंगे कैसे, है ना, ये मेन क्वेश्चन आता है। अगर आपका मतलब ये फ्यूल लिड खराब हो जाए और मतलब किसी को कहीं दूर कोई लॉन्ग ट्रिप पे गया है तो वो पेट्रोल कैसे डलाएगा, अपना फ्यूल लिड थोड़ी ना तोड़ेगा वो, फिर उसके लिए भी मतलब महंगा चार्ज लगेगा, तो यार ये बहुत बड़ी दिक्कत लगी मुझे। मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूल लिड की मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जब मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी थी, और मैंने तब भी दिखाया था कि फ्यूल लिड खोलेंगे कहाँ से, वो खोलने का कोई तरीका ही नहीं है यार। अगर वो आपका खराब हो गया ना तो आपको हुंडई के सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा और अपना मोटा बिल फाड़ना पड़ेगा, या फिर वारंटी के अंडर वो इशू मतलब आप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब वारंटी भी आपकी तभी आएगी जब आपकी सारी वायरिंग वगैरह सही है, ठीक है, वरना वो वारंटी वॉइड करने में आपको 2 सेकंड नहीं लगाएंगे। तो यार उनकी गाड़ी, अब उन्होंने मुझे बताया था कि यार उनकी 1 हफ्ते तक गाड़ी खड़ी रही थी मतलब उस सर्विस सेंटर में, ठीक है, जिस सर्विस सेंटर में उन्होंने दी थी ना, वहां पर 1 हफ्ते तक उनकी गाड़ी खड़ी रही थी, और फिर जाके उनके मतलब इंजीनियर ने बताया कि उसका जो सेंसर है वो खराब हुआ है। ये उनको भी नहीं पता था पहले तो इंजीनियर को कि मतलब सही कैसे करना है और क्या खराब हुआ होगा, पहले तो वो कहते हैं कि हुंडई की गाइडलाइंस के लिए हम वेट करेंगे। तो यार
अभी यही है, मतलब ये दिक्कत आ रही है, मतलब ये ब्लू लिंक में भी अगर आपके कोई दिक्कत आ जाएगी तो वो हिंडई के सर्विस सेंटर में आपको बहुत दिनों तक गाड़ी खड़ी रखनी पड़ेगी। अगर आपका बम्पर टूट जाए तब भी मतलब वो इन स्टॉक नहीं होता। ये स्विचेस भी मैं हिंडई से लेने गया था, वो भी स्टॉक में नहीं थे यार। ये स्विच के लिए 20 दिन बोल रहे थे यार वो, तो यार आप लगा सकते हैं कि नॉर्मल चीजों के लिए आप क्या क्या मतलब कितना वेट करना पड़ेगा यार। बम्पर वगैरह भी ऑयल फिल्टर तक नहीं है, मैंने तो सुना है क्रेटा का नहीं है यार ऑयल फिल्टर जो आता है ना, बेसिक जो चीज होती है सर्विस के टाइम पे जो यूज होता है वो तक अवेलेबल नहीं होते सर्विस सेंटर्स में। तो यार ये मतलब थोड़ी पार्ट्स की मैनेजमेंट तो अच्छी करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि कोरोना की वजह से यार मतलब कि चेन्नई के प्लांट्स में पार्ट्स थोड़े कम बन रहे हैं, और बन भी रहे हैं तो काफी टाइम ले रहे हैं वो यहाँ तक आने में, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होने में भी टाइम लगता है यार। तो यार वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम बेसिक चीजें तो अपनी पूरी रखो। ऑयल फिल्टर तो यार रोज की चीजों में आने वाला है यार, रोज का काम आता है ऑयल फिल्टर, तो यार तब भी मतलब वो तो होना ही चाहिए था यार। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं आपको यही दिखा रहा था कि इलेक्ट्रिक फ्यूल लिड के साथ यार की क्या दिक्कत आ गई है। नई वाली i20 है ये, ठीक है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और थोड़ा मतलब भी हुंडई से डिसअपॉइंटेड है, तो यार एक आप कमेंट भी डाल सकते हैं। और मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर देना, और अगर i20 से रिलेटेड या गाड़ियों से रिलेटेड आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।